असल नाजरी सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी ख़िदमत में हाजिर है नाजरीन आइनी तरमीमत को उल्टी पड़ चुकी है और आइनी तरमीम में मौजूद गलतियों की वजह से हकुमत सर पकड़ कर बैठ चुकी है इसके अलावा इस आइनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से हकूमती मुशीरों की जानब से दिए गए उल्टे सीधे मशवरे भी हकूमत को ले बैठे हैं इस हवाले से हकूमत की परेशानी में इजाफा कैसे हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कूमत को कैसे बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है सुप्रीम कोर्ट कैसे अपने फैसले पर अमल दरामद करवाने वाली है और ये आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट का रास्ता रोकने में कैसे नाकाम हो रही है इसकी तमाम तफसीत इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा इसके अलावा साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि वफाकी हकूमत के अंदर फूट पड़ चुकी है और ये फूट कोई मामूली बात नहीं है बल्कि अब वफाकी वज़रा एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं एक दूसरे को झूठा करार दे रहे हैं और इस सारे मामले में जीत हो रही है सिर्फ़ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और अगर यूं कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग चुके हैं तो ये गलत ना होगा क्योंकि इसी तरह की सूरत हाल इस वक्त वफाकी वज़रा के दरमियान देखने को मिल रही है और ये वफाकी वज़रा आ, कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं इसकी भी तफसीत इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं तो आगाज करते हैं कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान ने बारह जुलाई को मखसूस नशस्तों से मुतल मुख्तसर फैसला दिया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चौदह सितम्बर को पहली वजाहत जारी की और उस वजाहत के कुछ ही रोज के बाद यानी तेईस सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट आफ पाकिस्तान की जानब से मखसूस नशितों से मुतल केस का तफसीली फैसला जारी किया गया जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी मखसूस नशस्तों से मुतल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एतराज पर दूसरी वजाहत 18 अक्टूबर दो हज़ार चौबीस को जारी की और इन तमाम वजाहतों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को समझाती रही कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का पाबंद है बेशक वफाकी हकूमत कानून साजी कर भी ले। लेकिन जो बुनियादी हकूक से मुतल मामला हैं उसमें इस, इस तरह की कानून साजी का माजी से इतलाक नहीं किया जा सकता और ना ही सादा कानून साजी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को गैर मौसर कर सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी दर हकीकत कानून की ही हैसियत रखते हैं वो कोई मामूली जजमेंट उसको आप करार नहीं दे सकते मुतद बार सुप्रीम कोर्ट की जानब से इलेक्शन कमीशन को बताया गया समझाया गया अपने फैसले की वजाहत की गई इलेक्शन कमीशन को ताकद की गई कि वो हर सूरत इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का पाबंद है लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया और इसी के हवाले से गुजश् दिनों गुजश्त हफ्ते बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से तोहनी अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है और इसमें पीटीआई की जानेब से यह नुकता उठाया गया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सका इसलिए उसके खिलाफ तोहनी अदालत की कार्रवाई की जाए अब इसके ऊपर मुख्तलि हल्के मुख्तिया जो तबलची हैं वो इस हवाले से ये वजाहतें दे रहे थे कि इस पर फुल कोर्ट नहीं बन सकती क्योंकि आइनी तरमीम आ चुकी है और उस आइनी तरमीम के आने की वजह से अब हकूमत के पास ये एक रास्ता मौजूद है कि ना फुल कोर्ट बनेगी ना पांच रुकनी लार्जर बेंच से बड़ा बेंच बनेगा और इस तरह हकूमत को मखसूस नशिस्तों वाले फैसले में एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से किसी किस्म की कोई सख्त कार्रवाई का इम्कान नहीं है और ना ही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी लेकिन इसके अंदर गलतियां हैं सुकम हैं और यही वो गलत मशवरे हैं जो हकूमती मशीर अलादेदारों को वजी अजम को और सदर को और दीगर वज्रा को दे रहे हैं और ये मशीर कैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं इस हवाले से अहम जो गुफ्तु है वो आपके साथ शेयर करते हैं सीनियर कानूनदान है फैसल सिद्दीकी उनकी जानब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की गलती उजागर की गई है और वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन फंस चुका है ये ज़रा फैसल सद्दीकी का ये बयान सुनिए उसके बाद आपको इसकी मजीद तफसील जो है वो समझ आएगी कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मामले में फंस चुका है और वो फैसले पर अमल फैसल आगे फैसला हो जाना चाहिए ये सबसे पहला सवाल तो यही है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के आने के बाद उस पर यह अमल दरामद मखसूस नशिस्तों पर करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते वो तो पहले ही पार्लियामेंट कहती है स्पीकर साहब कहते हैं मैं नहीं मानता देखिए जब सुप्रीम कोर्ट का कंटेंप्ट पे डिसीजन आएगा क्योंकि कंटेंप्ट अब मूव हो गई है अगेंस्ट दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट द हेड एज वेल एज ऑल मेंबर्स और हुकूमत ने इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं किया है कि जो कंटेंप्ट एप्लीकेशन है रिजर्व सीट्स की जजमेंट के हवाले से वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास नहीं जाएगी वो जाएगी नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के पास क्योंकि ये कंटेंप्ट ज्यूरिसडिक्शन एक यूनिक शन है ये है इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इन्वॉल्व नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ इस हवाले से है कि जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और ये कभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जा ही नहीं सकती छब्बीसवीं आईनी तरमीम के मुताबिक भी क्योंकि 26वीं आयमी तरमीम के मुताबिक जो है सिर्फ वो रिव्यूज उनके पास जाएगी जो पांच या सात जजेस ने पास की ये तो फुल कोर्ट ने पास की है एक रिव्यू का बेसिक रूल ये है कि वो रिव्यू जाती है या उसकी कंटेम्प्ट भी जाएगी तो वो जाएगी उन्हीं जजेस के पास जिसने वो पास की है तो इस मैंने जिस तरह कहा ये हुकूमत के एडवाइजर्स काफ़ी इनकॉम्पिटेंट है इन्होंने ये बात देखी नहीं कि ये जो रिजर्व सीट्स का फैसला ये कभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा नहीं ये तो जाएगा अगर ये जस्टिस मंसूर जस्टिस मुनीब को एक्सक्लूड भी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे ये जाएगा जिसे हम कहेंगे नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट में और वो जजेस बैठेंगे या जो उसमें रिटायर हो गए वो नहीं बैठेंगे और वो रिव्यू का भी फैसला करेंगे और वो कंटेम्प्ट का भी फैसला करेंगे और मैं आपको ये बात प्रडिक कर दू कि सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को इंप्लीमेंट करवाएगा कम वोट में और ये हुकूमत देखेगी तो ये जनाब फैसल सिद्दीकी साहब की गुफ्तु आपने सुनी फैसल सिद्दीकी ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हर सूरत हर कीमत पर अपने मखसूस नशस्तों वाले फ़ैसले पर अमल दरामद करवाएगी इलेक्शन कमीशन जो मर्जी टाल मटोल करे हकूमत जो मर्जी रुकावटें डाले जो मर्जी कानून साजी करे जो मर्जी आइनी तरमीम करे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर हर सूरत अमल दरामद करना पड़ेगा और ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन चुकी हैं और इसी वजह से हकूमत अब इस हवाले से हरबे ढूंढ रही है सत्ताईसवीं आइनी तरमीम लाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसके लिए भी हालात कोई ज़्यादा साजगार फिलहाल नज़र नहीं आते और इस पर हकूमत को मजीद शुभगी का सामना ये करना पड़ सकता है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जैसा कि तोहनी अदालत की कार्रवाई की दरख्वा सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी इस हवाले से अपने सबक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ायजीसा के, के, के जो रिटायरमेंट के एजाज में दिए गए फुल कोर्ट में ये कह चुके हैं कि जो इख्तियार तकसीम का मामला है उसको उस पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाए करवाया जाएगा और इख्तियार तकसीम का मामला अगर देखा जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा इख्तियार है उसको भी मिनोवान तस्लिम करवाया जाएगा और हुकूमत को और तमाम रियाती इदारों को इस बात का पाबंद किया जाएगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार में मदाखलत नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार में मदाखलत करने की एक आ, सूरत यह भी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना करें तो ये एक इंतहाई अहम मौका है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतने आ, इतने अहम जो केस है उसके अंदर आ, ये कार्रवाई करने वाली है तोहनी अदालत की कार्रवाई कोई मामूली चीज़ नहीं है यहाँ से सिर्फ अलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तोहनी अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर अमल दरामद ना किया जाए तो ये सिर्फ तोहही अदालत नहीं है ये आइन की खिलाफ वर्जी भी है क्योंकि आइन की मंशा ये है आइन का हुक्म यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद होगा तो फिर यहाँ पर आर्टिकल छः का फंदा भी खुलता है और फिर देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या अमल दरामद करता है वैसे भी इस वक्त हुकूमती जो तबलची हैं उनकी जानब से अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह शह दी जा रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करें और ये मखसूस नशस्तें हकूमती सियासी जमातों को अलाट करें ताकि उनके पास कौमी असम्बली में आ, दो तिहाई अक्सरियत पूरी हो जाए और इस तरह हुकूमत को मौलाना या पाकिस्तान तरीकानसाफ़ के लोगों की ज़रूरत ही ना पड़े और फिर वो अपनी मन मर्ज़ी के साथ ये आइनी तरामीम करते रहें और उनको कोई रोक टोक करने वाला ना हो तो इस सारे मामले में अगर कोई चीज़ रुकावट है तो वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मतलक फ़ैसला है जिसके बारे में अब जो तोहनी अदालत की दरखास्त है वो दायर हो चुकी है मुमकिन है कि चीफ जस्टिस ने पहले हफ़्ते कोई अहम केस चौंके नहीं लगाए लेकिन आइंदा हफ्ते यानी कि दूसरे या तीसरे हफ़्ते में इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट अहम केसेज मुकरेगी और फिर उन अहम केसेज़ में तोहनी अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है फिर उन अहम केसेस में मखसूस नशस्तों से मतलब नज़रसानी दरखास्त भी हो सकती है ये सारी चीज़ें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अल्तवा हैं देखना यह है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इन अहम केसेस को समात के लिए मुकर करती है या नहीं और जैसे ये मुकदमा मुकर होंगे इन शाह तमाम तर, तर तफसी आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ आपको बताएँ कि वफाकी वजी दिफा खा आसिफ साहब की जानब से ये कहा गया था कि बुशरा बीबी और इमरान ख़ान की बहनों की रिहाई दर हकीकत किसी डील का शाख्साना लगती है और बुशरा बीबी जैसे पिशावर गई हैं उससे यह तासर मिलता है कि पसे पर्दा कुछ ना कुछ चल रहा है यानी वफाकी वजी दिफा जो अपने मतहत इदारों के बारे में कोई ख़बर नहीं रखता जिसके मतहत इदारे उसको घास नहीं डालते जिसके मतहत इदारे उसको बताना या उससे इजाज़त लेना पसंद नहीं करते वो जो है वो शख्स मुंह उठा के ये कहता है कि इमरान ख़ान और उसकी बहनों ने किसी किस्म की कोई डील की है कोई समझौता किया है तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती वैसे भी ख्वाजा आसिफ एक ऐसे जहन का इंसान है जिसके लिए शायद शर्म हया इज्जत गैरत हमीत कोई मैनी नहीं रखती और इसी हवाले से अब ये होता है ना कि जवाब पाकिस्तान तहरीकानसाफ़ की जानब से दिया जाता लेकिन यहाँ पर सोने पर सुहागा ये हुआ कि ख्वाजा आसफ के इस बयान की तरदीद ख़ुद उन्हीं की पार्लियामेंट का उन्हीं की कूमत का एक बंदा राना सनाउल्ला उसकी तरदीद कर रहा है और राना सनाउल्ला साहब ये कहते हैं कि इमरान खान की बहनों और उनकी एहलिया की जो रिहाई है उसमें किसी किस्म की कोई डील नहीं है और राना सनाउल्ला साहब ये भी कहते हैं कि बुछरा बेबी के केसेस में छः से आठ माह काफ़ी होते हैं इसके बाद रूटीन में जमानत होती है कोई डील नहीं हुई ये जरा, जरा राना सनाउल्ला साहब क्या कहते हैं ये जरा सुनें और इंजॉय करें कि इस वक्त बाहिर वफाकी हकूमत के अपने लोग जो हैं हकूमत के अपने लोग वो आपस में गुत्थम गुत्थाएँ एक दूसरे का गिरबान पकड़ चुके हैं कि एक बयान देता है और दूसरी जानब से उसकी तरदीद आ जाती है और शायद राना सनाउल्ला भी अपने ज़मीर का बोझ उठाए फिर रहे हैं और मेरे ख्याल में जितनी जल्दी वो ये बोझ उठा उतार दें उतना उनके लिए बेहतर होगा राना सनाउल्ला वो शख्स है जिन्होंने दो हज़ार चौबीस के आम इंतबाब में अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम किया और ख्वाजा साद रफीक भी वो शख्स हैं शेख रुहेल असगर भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और जिल्त में इस जीत को ठुकरा दिया अब देखना यह है कि राना सना और जैसा कि मैंने कहा कि राना सना पी के साथ होने वाले मजालिम को देख शायद वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा दिल गिरफ्तार हैं बहुत ज़्यादा रंजीदा हैं कि उनको इस बात की हैरत है कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान हो, उनकी बहनें हो, उनकी अहलिया हों सबक वज़ी अला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही हों लोगों ने बड़ी जुरत के साथ बड़ी दिलेरी के साथ इस तरह की सजा नहीं काटना पड़ती थी लेकिन पी टी आई के लोग ये सारी सजा काट रहे हैं और कोई गिला नहीं कर रहे हाल ही में इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने आया ये सुनिए जरा कि राना सनाउल्ला साहब कैसे अपने ही वजीर दिफा को जूटा करार दे रहे हैं बुशरा बीबी के खिलाफ थे तो छ आठ महीने का टाइम जो है वो काफी सफिशेंट था और उसके बाद एक जो रूटीन है उसमें भी बेल हो जाया करती है इसमें मुझे कोई इस किस्म की डील जो है वो आ, मैं तो नहीं देख रहा और खास तौर पे अगर फिर डील की है तो क्या अदालत ने डील की है तो हमारे साथ तो कोई ऐसा गवर्नमेंट के साथ तो कोई ऐसा मामला नहीं हुआ तो ये देखें वो कह रहे है, अगर डील हुई है तो फिर वो अदालत के साथ के साथ अगर कोई डील हुई है तो उस हवाले से भी हकूमत के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची मुमकिन तौर पर पीटीआई ने इस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत की कोशिश की हो तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि हुमत अंदर से टूट फूट रही है हुकूमत को अपना बोझ खुद गिरा रहा है उसके लोग अब इस झूठ को लेकर चलने से कतराते हैं इस झूठ को इस झूठ का बोझ उठाने से अब वो लोग थक चुके हैं और ये वो बोझ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की चोरी की वजह से इनके कंधों पर है और 8 फरवरी 2024 को आम इंतबात में तमाम तर रियासी फ जुल्म जबर इस तबदाद के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जैसे अपने कद्दू से बैंगन से भिंडी से तोरी से बाजे से वायलन से रेडियो से और दीगर जो अजीब व गरीब और बड़े मजका खेज़ किस्म के इंतबी निशानात थे उनसे जैसे इन तमाम सियासी जमातों को और इस्टेबलिशमेंट को शिकस्त दी है उसके बाद ये वो ज़मीर का बोझ है जो राना सना जैसे लोग उठाए फिरते हैं और जैसे मैंने कहा कि इस ज़मीर के बोझ को जितनी जल्दी उतार दें इसकूमत से जितनी जल्दी अलग हो जाएं अपनी हुकूमत को जितनी जल्दी ये शिकस्त तस्लीम करने के लिए उनको राज़ी कर लें शायद राना सना का बोझ उतनी जल्दी उतर जाएगा लेकिन देखना यह है कि क्या नवाज़ शरीफ अपनी उम्र के पिछले हिस्से में उनको ये तोफ़ी होती है या फिर वो रसवाई की दलदल में मसीद धंसते जाते हैं इस हवाले से जो भी अहम पेशर होंगी आपके साथ शेयर करेंगे सईद बलोच को इजाजत है अल्लाह हाफिज